स्टार्ट कर दूं। ओके okay. इसको स्टार्ट हो गया है बिल्कुल जी। तो आज मैं आपको ये जो वीडियोज में अक्सर शॉर्ट वीडियोज बना देता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसकी मैं कुछ बेसिक चीजें आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसको देखकर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, विदाउट उसको देखने के बगैर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मतलब जो चीज़ आप देख लेते हैं एक बार तो उसके बारे में फिर आप बता सकते हैं ये पुराना चीज़ है, लेकिन जो चीज़ आपने देखी नहीं है तो उसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम आपको कुछ पैटर्न बताएंगे, कुछ पैटर्न दिखाएंगे जो कि आप उसको देखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये फॉलिंग पैटर्न्स, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, आपने इनको देखना होगा। देखिए, अब अगर पहले पैटर्न को हम इसको ज़रा मद्देनजर रखते हुए देखें तो इसमें मैं आपको थोड़ा एक वो बना देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये दो जगह है। ओके, थोड़ा ख्याल करना होगा। अब देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। आपने क्या करना होगा कि अगर एक मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, सही है, याद रखिएगा, और किसी खास डोमेन में वो अपना फ्लक्चुएशन शो करता है। अब आप इस पैटर्न को देखें ना कि ऊपर से आई नीचे, लेकिन किसी खास डोमेन में ये अपना फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे होगा? वो ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको डिसाइड करेंगे, अगर देखिए अब यहाँ से लेकर, अगर आप इसका डोमेन को मद्देनजर रखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका अपना डोमेन है। अब देखिए, ज्यादातर केस में क्या होता है, ज्यादातर केस में यही होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे एक और इसमें अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ एक मिनट, तो ये ज्यादातर केस में होता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है और यहाँ पे वो अपना फ्लक्चुएशन शो करता है, लेकिन आपका जो डोमेन का लाइन है, जो आपने डोमेन आपने कहा कि फ्लक्चुएशन शो करेगा इस जगह में, लेकिन अगर वो उसको वायलेट कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक ये अपने फ्लक्चुएशन शो करता है, लेकिन अगर ये एक्सीड कर लेता है, देन क्या होगा? देन ये होगा कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल ये डोमेन है, आपने कहा कि इसमें ये फ्लक्चुएशन शो करेगा, लेकिन अगर वो एक्सीड करे, ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, तो अगर ऊपर चला गया तो अब यहाँ पे आपका ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न आप इस्तेमाल करते हो, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। आपने देखना होगा कि जो डोमेन में ले रहा हूँ, क्या उस डोमेन के अंदर ये अपना फ्लक्चुएशन शो करता है? अगर ये उसको वायलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो देखिए आपका जो डोमेन है, एग्जिस्टिंग डोमेन है, उससे वो वायलेट एक्सीड कर रहा है, तो आप इसका आप ये पैटर्न आप कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मार्केट की सिचुएशन होगी। नहीं, मार्केट की सिचुएशन अगर इस पैटर्न को आप देखेंगे तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लक्चुएशन, देखिए अब यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आई, लेकिन किसी खास रेड लाइन को देख रहे हैं आप, किसी खास डोमेन के अंदर वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके बाद मार्केट क्या सिचुएशन होगी? मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। सेम इसी तरह अब ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सॉरी 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 देखिए, अगर मार्केट की ये सिचुएशन हो कि अगर वो ये अगर आप एक इस तरह कर ले कि ये हमारे पास एक स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की वो बन गई, लेकिन अगर मार्केट अगर इस पैटर्न को हम देखें और ये हमें ये दिखा रहा है कि अगर ये मार्केट ऊपर नीचे से नीचे से वो ऊपर चली जाती है, यहाँ से वो स्टार्ट ले लेती है। अब देखिए, मैंने आपको कहा ना कि किसी खास डोमेन के अंदर, देखिए अगर इस तरह किसी खास डोमेन अगर ये पैटर्न बन रहा है तो आपने ये अपने मार्केट से इन या आउट होना है, आपने ये पैटर्न देखते हुए। अब देखिए, नीचे से ऊपर गई है, लेकिन आपने स्पोर्ट के जो रेजिस्टेंस है उस पर उसने एक फ्लक्चुएशन की, एक डोमेन के अंदर फ्लक्चुएशन शो किए, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब यही हुआ कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लक्चुएशन तो शो कर रहा है, लेकिन मार्केट की अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जो नैरेटिव होगा, वो क्या होगा? वो यही एक ही होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि वो किसी खास स्पॉट के अंदर, स्पॉट पे वो अपने फ्लक्चुएशन शो कर रहा है। हाँ, ये इसमें भी वही चीज़ है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है और वो अपने स्पॉट पे फ्लक्चुएशन शो करता है, फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है कि किसी खास डोमेन पे, आप ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल कि अगर ये भी एक फ्लक्चुएशन है, नो, ये फ्लक्चुएशन कभी नहीं हो सकता। फ्लक्चुएशन तब होता है कि जब मार्केट अपने एक स्टेबल सिचुएशन में होता है,
आप ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट अनस्टेबल हो तो उसमें इस तरह की चीजें नजर आएगी आपको, कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा अगर भी ऊपर, लेकिन अगर मार्केट स्टेबल हो तो आप में आपको उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो एक किसी खास डोमेन के अंदर एक कांस्टेंट वेव्स के साथ जाएगी। सेम इसी तरह ये देखिए, ये एक कांस्टेंट वेव्स की शक्ल इख्तियार करते हुए आगे की तरफ जा रही है, तो इस चीज को आपने थोड़ा मद्देनजर रखना होगा। सही है, डोमेन वही चीजें हैं। अगर आप अब देखें, अब डिफरेंट पैटर्न है जो कि इस्तेमाल होते हैं, सेम इसी तरह देखें ना। अब ये भी एक पैटर्न है कि अगर आप एक देखिए, अगर आपके पास एक रॉप है, इसका मैं अगर आपको बना के यहाँ पे दिखा सकूँ तो वो मैं जरा ये देखिए, इसको भी आपने थोड़ा ख्याल रखना होगा। सही, ये फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, अगर आपके पास एक ग्राफ है और मैं अगर देखिए, ये आपने क्या करना होगा, आपने सिंपली आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक लाइन को ड्रा करना होगा। सही, ये आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो सेंटर है वो आपको बता रहा है कि ये फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटर हो गया, जिस तरह ये सपोर्ट आप डिपेंड करता है। इसका मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता देता हूँ, क्या आपने कहा कि इसका सेंटर है। अब अगर मार्केट नीचे से आ रही है, नीचे से अगर वो यहाँ से इसको अगर हम चेंज कर दे, इसको भी देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका जो नैरेटिव होगा, जो वो होगा वो कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, लेकिन अगर ये यहाँ तक चला जाता है तो फिर यहाँ से वो किस साइड पे जाएगा, लाजमी बात है ऊपर जाएगा, नीचे ही आएगा। तो इस चीज को सेम इस तरह पैटर्न को देखिए, लेकिन इसमें भी जरूरी है कि अगर आपका जो लाइन है वो इस चीज को एक्सीड ना कर। देखिए, अगर आप ये यहाँ से ऊपर गया, आपने जो लाइन ड्रा की है वो उससे नीचे नहीं आ रहा। सही, जो आपने लाइन ड्रा की है उससे नीचे नहीं आ रहा, तो फिर इसका नेक्स्ट नैरेटिव जो नेक्स्ट जो एक्शन वो परफॉर्म करेगा वो किस साइड पर परफॉर्म करेगा। आप लाजमी बात है, अगर वो आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सेंटर को भी नीचे नहीं आ रहा, तो आप उसका जो नेक्स्ट जो 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 एक्शन होगा वो लाजमी बात है कि नीचे की तरफ होगा, तो ये इस जगह को आएगा। तो ये चीजें, तो इसको जरा सेम इसी तरह ये कुछ और पैटर्न्स हैं, देखिए सेम वही चीज है, इसको भी आपने देखना होगा कि देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये वही चीज, मैं इसको थोड़ा दिखा सकूँ तो आपको, सॉरी ओके चले इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको, सही हो गया, सेम वही चीज है। देखिए, अगर आपके आपने कहा कि यार यार ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मैंने ये एक, सॉरी यार ये तो माउस में मसला है कि मेरे हाथ में मसला, ये मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ, ये हो गया। अब देखिए मार्केट क्या सिचुएशन है, मार्केट ऊपर से तो नीचे आ रही है, लेकिन आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो आपने जो टारगेट टारगेटेड लाइन आपने ड्रा की हुई है वो उसको एक्सीड नहीं कर रहा, उसको एक्सीड देखिए आप, सॉरी सॉरी ओके। अब देखिए सेम सिचुएशन है कि मार्केट नीचे से ऊपर से तो नीचे आ गई, ओके आ तो गई, लेकिन आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो दरमियान जो लाइन है, ये लाइन की बात कर रहा हूँ मैं दो लाइनों की बात कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन, ये जो दो लाइन है ये इसके अंदर ही आपकी जो मार्केट है वो लाई करती है। देखिए देखिए देखिए, अब देखिए, लेकिन अब मार्केट के नेक्स्ट जो आपको कुछ कुछ देखिए ना, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वही चीजें हैं जिसको एक बार होने से या बार बार होने से प्रिडिक्शंस जिस पे हम कर सकते हैं, मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो आपको एक डेटा मिलता है कि हाँ, अगर एक मार्केट की एक ग्राफ की सिचुएशन ये बन जाती है तो इसका मतलब ये है। अब देखिए, आपने 3 महीने बैठ के ग्राफ को देखा और आपने उस ग्राफ में 3 महीने में 50 बार इस तरह की सिचुएशन देखी, तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ, ये एक प्रिडिक्शन है कि अगर मार्केट की सिचुएशन या ग्राफ की सिचुएशन ये हो गई देन आपका जो मार्केट है वो किस साइड जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये एक प्रिडिक्शन है जो कि लोग करते हैं, बहुत जरूरी है, इस बुक की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेम इसी तरह ये भी एक पैटर्न है, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए सेम वही चीज है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो किसी खास आपके डोमेन आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो लाइन है वो उसको एक्सीड नहीं कर रहा, उसकी दरमियान ही लाइज कर रहा है, तो आपको ये एक आइडिया मिल जाता है कि अगर इसके दरमियान है तो इसका जो नेक्स्ट
जो टारगेटेड होगा